नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। मुख्तार के करीबी मिसबाहुद्दीन के अवैध अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन का बुलडोजर चला है। पुलिस प्रशासन ने मुख्तार गैंग के सदस्य मिसबाहुद्दीन अंसारी के अवैध कब्जे पर कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने मिसबाहुद्दीन अंसारी द्वारा अवैध कब्जा की गई जमीन मुक्त कराई है। इंटर स्टेट गैंग 193 जो मुख्तार अंसारी का गैंग रजिस्टर्ड गैंग है, उसके प्रमुख सहयोगी मिसबाहुद्दीन द्वारा जलमग्न भूमि पर कब्जा करके उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया था। एक तरफ से दीवार बना दी गई थी, दूसरी तरफ से गेट लगा दिया गया था, जिसको आज राजस्व अधिकारियों की टीम के सहयोग से इसको कब्जा मुक्त कराया गया है। लगभग 10 बिस्वा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 1,13,00,000 के आसपास है। हमीरपुर में दबंगों की दबंगई देखने को मिली, जहां दलित छात्र के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। पीड़ित छात्र शहर में लगी प्रदर्शनी में घूमने आया था, जहां आधा दर्जन दबंगों ने दलित छात्र के साथ मारपीट की। साथ ही आरोप है कि दलित छात्र को शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। अमेठी के सूखी बाजगढ़ में ग्राम प्रधान को जेल भेजा गया। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी पर अपात्र लोगों को आवास देने का आरोप लगा है, जिसको लेकर जामो थाने में खंड विकास अधिकारी के तहरीर पर धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। कोटद्वार नगर क्षेत्र में जिला स्तरीय बहुदेशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां आम जनता को एक मंच एक साथ सभी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए बहुदेशीय शिविर लगाया गया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बहुदेशीय शिविर का शुभारंभ किया। विधायक ऋतु खंडूरी ने बताया कि कोटद्वार की जनता और अधिकारियों के लिए भी सहूलियत है कि एक ही स्थान पर समस्याओं का निस्तारण किया जाता रहा है। बहुउद्देश्य शिविर यहाँ पे कोटद्वार में आज लगा है, ताकि लोगों की छोटी से छोटी समस्या और बड़ी समस्याओं का निस्तारण हो सके। हर विभाग का अफसर यहाँ पर बैठा हुआ है। एसडीएम साहब की अध्यक्षता है, कृषि से लेकर पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पानी के सभी यहाँ पर अफसरान हैं। नगर आयुक्त को यहाँ पर बुलाया गया है, CO जो हमारे पुलिस के हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। तो जनता की जो भी समस्या है, पेंशन से लेकर और सिंचाई गूल तक, सड़क तक, जो भी उनकी समस्या है, उनके निस्तारण के लिए यहाँ आज अफसर हैं। और जब तक जनता आती रहेगी, अफसर यहाँ पर बैठ के उनकी समस्याएं सुनेंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो बनने की बात है, वो भी यहाँ पे बाहर शिविर लगा हुआ है। जो भी अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने किसी रिश्तेदार के लिए या दोस्त के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना चाहता है, वो आज ऑडिटोरियम जो हमारा है कोटद्वार में, वहाँ पहुँचे, इस शिविर में पहुँचे, यहाँ बन रहे। मामला सहारनपुर की मंसूर कॉलोनी थाना मंडी क्षेत्र का है, जहां के अफसर अली ने अपनी बेटी की शादी लगभग 1 साल पहले धूमधाम से की थी, जिसके बाद दहेज में स्विफ्ट डिजायर कार दी। लेकिन आरोप है कि लड़की के ससुरालियों ने और दहेज की मांग को लेकर लड़की से मारपीट की, जिससे लड़की बेहोश हो गई, जिसके बाद आनन फानन में लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। सहारनपुर में पुलिस द्वारा फैक्ट्री में ऑपरेटर की हत्या का मात्र 24 घंटे में खुलासा किया गया है। साथ ही पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर के SP देहात सागर जैन ने पूरी जानकारी प्रेस वार्ता में दी। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर फैक्ट्री मालिक विक्की वालिया के भाई विक्रांत उर्फ लक्की को गिरफ्तार कर लिया है। 15 तारीख को थाना गागालेडी में एक लिखित सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि एक साजिद नाम का व्यक्ति है, जो कि एक बैटरी फैक्ट्री है जो पोलकी ग्राम के पास में है, जो ऑपरेटर के पद पे वहाँ कार्यरत था, उसकी किसी अज्ञात अभियुक्त ने सर पे रॉड मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अलीगढ़ शहर की समस्याओं को लेकर बजरंग बल संगठन ने सैकड़ों लोगों के साथ सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाओं और लोगों ने हाथों में महापौर विरोधी तरह तरह के पोस्टर बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शन करते हुए महापौर आवास पर पहुंचकर महापौर से शहर में आमजन को हो रही समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग की है। देश बचाओ
देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा का बस्ती जिला में पांचवें दिन साइकिल यात्रा को पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने सिविल लाइन तिराहा और हरी झंडी दिखाकर सदर विधानसभा में रवाना किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। साइकिल यात्रा का बड़ी संख्या में सपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और सभा में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल रहे। नौजवानों के साथ छल किया जा रहा है, उनका हक छीना जा रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, किसानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, खाद का दाम बढ़ा हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के लोगों को जगाने का काम भाई अभिषेक यादव जी कर रहे हैं। मुरानीपुर में ब्लॉक बंगरा के गाँव बुढ़िया बमोरी में किसान कांग्रेस के बैनर तले पंचायत का आयोजन किया गया, जहाँ किसानों की कई समस्याओं को लेकर चर्चा की गयी। कांग्रेस पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने बताया, झांसी लगभग 10 वर्षों से सूखे से जूझ रहा है। बुंदेलखंड के किसान आर्थिक रूप से उभर नहीं पा रहे हैं। आगरा में एक परिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। पीड़ित परिवार 2 साल से इच्छा मृत्यु के गुहार लगा रहा है। दरअसल आरोप है कि पीड़ित परिवार के साथ लोन को लेकर धोखाधड़ी हुई थी। साथ ही आरोप है कि पीड़ित के दबंग पड़ोसी ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसको लेकर उल्टा पुलिस ने बिना गिरफ्तारी उन्हीं पर चार्जशीट लगा थी, जिसके बाद तब से पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।